हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है प्लैनेट पिन में एक बार फिर से। तो जैसे कि हम आगे भी वीडियोस बनाते रहे हैं, तो अभी मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे चैनल पे कि कुछ क्वेश्चंस थे सबके, कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इंस्टा पे मेरे को बहुत सारे मैसेज आए, तो मैंने वही सोचा कि आज क्यों ना हम एक क्वेश्चन आंसर वीडियो बना लें जिसमें सबकी अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए। ये वीडियो हमारी एलपीयू के रिलेटेड रहेगी, जिसमें हम एलपीयू के कुछ क्वेश्चंस वगैरह को आगे देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। जैसे किसी का क्वेश्चन है कि हॉस्टल की फ़ी कितनी है, या प्लेसमेंट्स कैसी हैं, या यूनिवर्सिटी कब ओपन होगी, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलो नज़र लगाते हैं, अब देखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैं आपको बताता हूँ साथ साथ में कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे जो पूछे गए हैं, और उनका आंसर हम साथ साथ में देते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो थोड़ा शेयर कर लें इसको, क्योंकि आप शेयर करेंगे उसी से हमारा थोड़ा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे साथ साथ में। तो लेट्स स्टार्ट। चलो देखते हैं हम अपना अब स्क्रीन पे। तो फर्स्ट हम अपना चैनल ओपन कर लेंगे। हम क्या करेंगे ना, कुछ कुछ वीडियोस लेंगे, जो वीडियोस होंगी कुछ वीडियोस से देखेंगे कि क्या क्या कमेंट्स हैं, और उनके हिसाब से हम वीडियोस बनाएंगे। फर्स्ट ये वीडियो में मैं देख रहा था, ये पहले ब्रदर का एक क्वेश्चन है, भास्कर सिंह करके नाम है जिनका। तो उन्होंने पूछा है कि हाउ इज़ द प्लेसमेंट ऑफ MSc एग्री ने। तो MSc एग्रीकल्चर की जो प्लेसमेंट्स हैं ना, वो एवरेज ही हैं, कोई ज़्यादा गुड भी नहीं कहेंगे और ज़्यादा बुरी भी नहीं है, क्योंकि जो BSc एग्रीकल्चर वालों की प्लेसमेंट्स होगी उन्हीं के साथ साथ इनको भी बिठाया जाता है। हाँ, कुछ कंपनीज़ हैं जो मोस्टली, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, वो आती हैं, वो कुछ MSc वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो इसलिए MSc एग्रीकल्चर की प्लेसमेंट अच्छी है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे अभी मैं दूसरी वीडियो ओपन करता हूँ, और ये गलत हो गया, इस वीडियो पे हम ओपन करके देखेंगे। हाँ, इसमें ये ब्रदर हैं, इनको भी प्लेसमेंट का ही क्वेश्चन था, तो प्लेसमेंट के रिलेटेड मैंने बता दिया है कि प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं, हर एक फील्ड के लिए कंपनीज आती हैं, और प्लेसमेंट अच्छा है, ऐसा नहीं है। और स्टार्टिंग में पैकेज जो है, अब डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे, कितना कंपनी रूम्स वगैरह दे रही है। अब जैसे ये किसी ब्रदर का क्वेश्चन है कि LPU के हॉस्टल में सारे रूम बालकनी वाले होते हैं। हाँ भाई, सब रूम्स में डॉर्मेट्रीज वगैरह छोड़ के, किसी किसी डॉर्मेट्री में नहीं होते, अब बेसमेंट में छोड़ के ऊपर जितने भी रूम्स हैं सब में बालकनी मिलती है आपको, चाहे वो AC वाला हो, non-AC हो, जो भी हो। और सभी रूम्स में एथरनेट केबल होता है क्या, इंटरनेट यूजेज लिमिट है क्या, स्पीड कितना इंटरनेट का बताऊँ, अंदर आपको हॉस्टल्स में जियो का भी नेटवर्क मिलेगा, जो आपको अराउंड 1-2 GB आपका फ़ोन नंबर डालने पे मिलती है। उसके बाद में LPU हॉस्टल्स मिलेगा, LPU हॉस्टल्स में आपको अपनी ID डालनी पड़ेगी, यूज़र नेम पासवर्ड आपकी ID जो होगी, उसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है, पर उसमें स्पीड कम है। मतलब लगा लो कि किसी किसी को स्टूडेंट्स, उसमें स्पीड बटी हुई है, स्टूडेंट्स के लिए अलग है, टीचर्स के लिए अलग है, ऐसे अलग अलग है। तो स्पीड आपको उतनी मिल जाएगी कि आपका YouTube चल जाए और UMS वगैरह सब खुल जाए, इतनी स्पीड मिलेगी बस। उसके बाद में हाँ, एडमिशन के लिए अभी किसी का मेरे को क्वेश्चन आया था कि उन्होंने एडमिशन लेनी है यहाँ पे, और LPU नेस्ट के बिना एडमिशन हो सकती है क्या। LPU नेस्ट के बिना एडमिशन नहीं होगी, LPU नेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, MSc में लो या BSc में लो। और LPU नेस्ट अच्छा है, आप देते हो तो उसमें आपको 20-30%, 10%, 20%, 30% स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अब किसी का ये क्वेश्चन भी था, एक भाई का, कि स्कॉलरशिप की बात सच है या झूठ है, तो स्कॉलरशिप मिलती है। इवन जब मैं भी था तो मेरे को भी 30% स्कॉलरशिप मिली थी, और अभी भी मैं जब MSc कर रहा हूँ तो मेरे को 30% स्कॉलरशिप मिली है। फ़ी जो है वो डिफर करती है, हर साल चेंज करते रहते हैं, हॉस्टल की फ़ी भी चेंज हो जाती है और दूसरी ट्यूशन फ़ी भी चेंज होती रहती है। और हॉस्टल्स जो हैं वो 1-seater, 2-seater, 3-seater, 4-seater, 5-seater और डॉर्मेटरीज वगैरह में मिलते हैं। और अपार्टमेंट और हॉस्टल में यही डिफरेंस है कि आप अपार्टमेंट में आपको किचन, मतलब आप किचन अंदर यूज़ कर सकते हो, और कोई डिफरेंस नहीं है।
बाकी हाँ थोड़ा बेड्स वगैरह अपार्टमेंट में अच्छे हैं, पर अपार्टमेंट कॉस्टली है। अगर मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से जाओगे, अगर आपको बजट वाला लेना है अभी के टाइम में, तो चलो कोविड है, कोविड के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 4 सीटर AC बेस्ट रहता है। इसमें आपका पैसा भी कम लगता है और फैसिलिटीज़ भी ठीक ही रहती हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं किसी और बाइक का कोई क्वेश्चन हो इस आईडी पे, देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सर वी वांट टू अप्लाई इन BSc एग्रीकल्चर, प्लीज़ गाइड व्हेन एंड हाउ वी कैन अप्लाई। आपको एडमिशन लेनी है BSc एग्रीकल्चर या किसी भी ब्रांच में, तो अभी का जो टाइम है, अभी जून जुलाई अगस्त और इससे पहले भी एडमिशन शुरू हो चुकी हैं। तो अगस्त में मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त में क्लासेस बैठ जाती हैं, तो अभी आप एडमिशन ले सकते हो। और अभी शायद स्कॉलरशिप वाली स्कीम भी चल रही है, तो अराउंड मेरे को लग रहा है कि जुलाई मिड या एंड में मिड तक स्कॉलरशिप भी बंद हो जाएगी। तो उससे पहले पहले ही अगर आपको स्कॉलरशिप के साथ लेना है तो LPU नेस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद में एडमिशन आपको मिल जाएगी। हाउ कैन आई गेट एडमिशन इन LPU व्हाट्सएप, विष्णु राज जी का ये क्वेश्चन है। तो विष्णु राज जी यही आंसर है उसका कि आपको LPU नेस्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट आपको ऑनलाइन LPU की साइट पर जाके वहाँ फिल करना पड़ेगा अपना नाम वगैरह जो सब, नहीं तो अगर आपको ज़्यादा नहीं पता चल रहा है तो आप LPU के कस्टमर केयर वालों से मिल के जानकारी ले सकते हैं। और आपको LPU नेस्ट देना पड़ेगा जो ऑनलाइन आपके लैपटॉप से ही होगा। LPU नेस्ट के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, उसके हिसाब से आपकी स्कॉलरशिप लगेगी एंड देन आपकी एडमिशन हो जाएगी। सारे पास कर लेते हैं LPU नेस्ट, इतना कोई मुश्किल नहीं होता है। बस यही है कि स्कॉलरशिप किसी को ज़्यादा मिलती है, आप जिसके अच्छे स्कोर हैं तो उनको ज़्यादा मिलेगी, जिसके कम है कम मिलेगी। जुबैद रहमान का क्वेश्चन है, हाय देयर, आई वांट टू नो रिगार्डिंग MSc एग्रीकल्चर रिगार्डिंग क्लास रेगुलेटरी फील्ड एक्सपोजर। अभी तो देखो जैसे कोविड के दौरान तो ये चीज़ नहीं देख सकेंगे, पर कोविड अगर ना हो तो फील्ड एक्सपोजर अच्छा है LPU में, बहुत सारे फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर के लिए, तभी तो ICAR की एक्रीडेशन मिली है। और क्लासेस तो रेगुलर होती हैं और फील्ड का लैब का वर्क जो है वो अच्छा होता है, मतलब एक्सपोजर आपको अच्छा मिल जाता है, अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। पर अभी कोविड के दौरान जैसे हमने एडमिशन ली थी MSc में, तो हम भी 1 साल से घर पे ही बैठे हैं, तो कुछ लैब का हमें पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यही है जब आप प्रैक्टिकली वर्क करोगे तो तभी आप अच्छा उसको कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स एग्रीकल्चर इट गिव्स द सर्टिफिकेट ऑफ ICAR एंड इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लेसमेंट इज गुड और नॉट, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ जब आप जो कोर्स MSc के लिए, तो ऐसा है कि जो कोर्स है ICAR एक्रेडिटेड हैं, तो वो जब बच्चे पास करेंगे उनको, तो उनको एक्रेडिटेशन ICAR का सर्टिफिकेट मिलेगा। BSc में तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि लवली को 2023 तक ICAR एक्रेडिटेशन है तो जो 2024 में पास आउट हो रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, मिलेगा उनको भी। एंड वो 2023 तक अगर है तो वो उसका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद रिन्यू हो जाता है सर्टिफिकेट इनका, आगे बढ़ता है, एक बार मिल गया तो आगे मिल जाता है वो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम। मेरे को इंस्टा पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैं अपनी इंस्टा प्रोफाइल नहीं यहाँ ओपन कर पाऊँगा, थोड़ा जितनी देर में मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, रिक्वेस्ट है एक। नेक्स्ट है, हाँ फीस कितनी है एग्रीकल्चर की, एडमिशन कैसे लेना है। फीस मैंने बताया है, डिपेंड करती है, चेंज होते रहता है। अभी जैसे लास्ट टाइम 98,000 थी, तो अब आगे फिर बदल सकती है, कोई पता नहीं होता है इनका कि हर साल 2,000 3,000 बढ़ा देते हैं। हॉस्टल्स में भी ऐसे ही होता है। और कुछ को लोगों का मेरे को क्वेश्चन आ रहा था कि BSc एग्रीकल्चर करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। देखो ये ऐसी बात है कि अगर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, आप उस चीज़ में जाइए, ज़रूरी नहीं है फोर्स करे कोई कि आपको एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर करिए, आप वहाँ पे आओ, आपका मन ही ना लगे, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी की साइंस अच्छी होती है, पर एग्रीकल्चर में आपको दोनों पढ़ने पड़ते हैं। तो ऐसा एक मिथ है कि एग्रीकल्चर में मैथ्स वगैरह नहीं होता है, होता है, स्टार्टिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे MSc में आओगे तब भी पढ़ना पड़ेगा। तो
चाहे एक दो सब्जेक्ट होते हैं पर होते हैं, इसलिए जिस सब्जेक्ट में आपका मन लगता है, जिसमें आपका मन करे कि हाँ भाई इसमें हमें पढ़ना चाहिए लेना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट हो। अब CSE वाला है कोई, वो सिविल्स में जाके क्या करेगा, उसका इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स में। तो अगर आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो तभी आप आइए, नहीं तो मत आइए, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका आने का। देन हम देखते हैं, हाँ यूनिवर्सिटी कब ओपन होगी, ऐसा अभी तक तो कोई नोटिस आया नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम ओपन होने वाली थी, कोविड फिर से बढ़ गया था, अभी थर्ड वेव का फिर से चल रहा है, तो कुछ पता नहीं है यूनिवर्सिटी कब ओपन होगी। हाँ MSc जो अभी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर वाले, उनके लिए हो सकता है, क्योंकि अभी आगे उनको यूनिवर्सिटी बुला ले, क्योंकि उनको अपने थीसिस वर्क वगैरह करना पड़ता है सारा, तो इसलिए उनको बुला सकते हैं। बाकी PhD और MSc वालों को बुला सकते हैं, बाकी बैचलर्स वालों का अभी कुछ पता नहीं है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो अभी मैंने बताया आपको। अगर कुछ और भी किसी के कुछ रह गए हों तो प्लीज़ कमेंट करिए, उसके साथ में Q&A लिख देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसके लिए हमें वीडियो बनानी है, तो हम वहाँ अगली वीडियो में आपका आंसर ज़रूर देंगे। तो अभी यही था आज के लिए, प्लीज़ जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी और को कोई क्वेश्चन वगैरह आया तो मेरे को इंस्टा पे DM कर सकता है, और कॉन्टैक्ट नंबर मैं सबको नहीं दे सकता हूँ अपना, तो प्लीज़ अगर कोई भी इसमें अगर कोई गलती हो या कुछ भी हो, फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में दे सकते हैं, और प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं है तो हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलती वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आगे मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आस्ता आस्ता हम भी सीख रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, यही थी आज की वीडियो, स्टे सेफ।